दोस्तों आप लोग न्यूज और सोशल मीडिया पर जरूर देख रहे होंगे कि उत्तराखंड के जोशीमठ में कैसे जमीन धस रही है, कैसे लोग घर से बेघर हो रहे हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है कि यहाँ पर ये जमीन क्यों धस रही है? दोस्तों यहाँ पर हम आप लोगों के सामने कुछ पॉइंट रखेंगे जो सही है या गलत, वो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों 1936 में अर्नाल्ड हेम और ऑगस्ट गंस की किताब सेंट्रल हिमालय जियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्विस एक्सपेडिशन में बताया गया था कि जोशीमठ समेत उत्तराखंड के कई जिले ग्लेशियर के भूस्खलन से आई मिट्टी और चट्टानों पर बसे हैं। इस किताब में कहा गया था कि इन पहाड़ों में बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करने पर प्राकृतिक आपदाओं की सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही 70 के दशक में उत्तराखंड में बाढ़ की वजह से जोशीमठ में भूस्खलन की घटनाएं बहुत ज्यादा आई थी। तब इन्हें रोकने के लिए मिश्रा कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी में भी हेम और गंस की किताब के साथ पर्यावरण विद्वानों की कई रिपोर्टों के आधार पर कहा गया था कि जोशीमठ की पहाड़ी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, और साथ में ये भी कहा गया था कि यहां पर विकास के नाम पर ज्यादा छेड़छाड़ की गुंजाइश भी नहीं है। पॉइंट नंबर 2, उत्तराखंड में धौलीगंगा नदी पर तपोवन जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। वहीं विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना के लिए जोशीमठ की पहाड़ी के नीचे से एक सुरंग का निर्माण कर गंगा का पानी पहुंचाने की कोशिश की गई। सन 2021 में ऋषि गंगा नदी में आई बाढ़ ने तपोवन परियोजना को काफी नुकसान पहुंचाया था। इसके साथ ही विष्णु परियोजना को लेकर बनाई जा रही सुरंग में भी बाढ़ का पानी भर गया था। उस दौरान सुरंग का काम पूरा नहीं हुआ था। बाढ़ का पानी सोखने की वजह से बीते साल भी घरों में दरकने की समस्याएं सामने आई थी। पॉइंट नंबर 3, उत्तराखंड का जोशीमठ हाई सिस्मिक जोन 5 में आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिस्मिक जोन क्या होता, तो ऐसा जोन जहां पर भूकंप आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो उसे हाई सिस्मिक जोन में रखा जाता है। केवल जोशीमठ ही नहीं, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी भी हाई सिस्मिक जोन 5 में आते हैं। तो यहाँ पर भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं, जिस कारण से भी यहाँ पर धसाव हो सकता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही कंटेंट के लिए हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।